हेलो एवरीवन। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था यार, उस वीडियो में मैंने एक अच्छी लाइन सुनी कि भाई अगर आप जीवित हैं तो आपको श्रम करना पड़ेगा, मृत शरीर विश्राम करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा विश्राम कर रहे हैं तो आपको, आप जीवित हैं या मृत हैं वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपको विश्राम को छोड़ के श्रम को अपना एक नेचर बनाना है। श्रम एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने एक बार सीख ली तो दोबारा दोबारा आपको वो चीज़ हेल्प करेगी हर टाइम लाइफ में। जैसे अभी भी मान लो कि मुझे कभी लेट भी बैठना पड़ता है बैंक में, तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता है क्योंकि श्रम किया हुआ है, अभी भी कर लेंगे। श्रम क्या हो गया इसका मतलब? मैं घिस तो नहीं रहा, अब घिस भी रहा हूँ तो मेंटली बहुत अच्छे से आगे ही बढ़ रहा हूँ, कुछ उसमें दिक्कत नहीं हो रही मुझे। तो श्रम आप करना सीख जाइए, अभी प्रेपरेशन में अच्छे से सीख जाइए। और श्रम जब करते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में ना सोचें, प्रोसेस पर ध्यान दें। और मेहनत अगर आपका सेकेंड नेचर बन गया तो आपको बिल्कुल कभी भी लाइफ में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। मेरा एक रेलवे JEE का पेपर था जिसमें मैंने 15 दिन 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ ली थी दिन रात एक करके, मतलब सिलेबस था मुझे कंप्लीट करना था और सब कुछ मैं भूल चुका था क्योंकि इंजीनियरिंग के 3 साल बाद वो मैं एग्ज़ाम दे रहा था। वो एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट वहाँ से मैं मेहनत करना सीख गया। तो अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए और रिजल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे, पर जब आप रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे तब। तो मेहनत करने को जीवन अगर है, जिंदगी का नाम ही श्रम है भाई, जब तक जीवन चलेगा श्रम करना पड़ेगा। नौकरी लगने के बाद कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फ्री बैठना पड़ेगा, आराम से मजा आ जाएगा भाई, चाय बिस्कुट लाओ समोसा लाओ, कुछ ऐसा नहीं है। आपको श्रम करते रहना पड़ेगा निरंतर, उसी से पता चलेगा कि आप जीवित हैं। ठीक है, तो रेस्ट करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका रेस्ट ही नेचर बन जाए। सेडेंटरी लाइफ आपको नहीं जीनी है, आपको जीनी है एक अच्छी लाइफ जिसमें आप एक एक्टिव इंडिविजुअल हो और खुशी खुशी मेहनत करें स्माइल के साथ। ठीक है, ये बात याद रखना।